जय हिंद। हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि PSPCL लाइनमैन अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है जो कि अब 1500 पदों पर निकाला गया है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पर गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी जानेंगे और जानेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को 27 मार्च 2023 तक भर पाएंगे, एज लिमिट आपकी कितनी रखी है, फीस आपको क्या पे करनी है, सिलेक्शन आपका कैसे होगा। तो ये सब जानकारी चेक करने के बाद अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं इंग्लिश या फिर पंजाबी किसी भी लैंग्वेज में, वही आप यहाँ पर लिंक ओपन करेंगे, उसके बाद में आपके सामने इसके बारे में डिटेल में जानकारी आ जाएगी। आप यहां से पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। ये सब जानकारी चेक करने के बाद में अब आप यहां पर आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर ये इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर आना है, यहां पर टिक करना है और आपको क्लिक टू रजिस्टर एज न्यू यूजर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहां पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, यहां पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जिसके अंदर जो कि जिसकी लेंथ कम से कम 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए। इसमें इंग्लिश का कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, कम से कम ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर। इसका एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर देता हूं। मैं यहां पर इस तरह का एक पासवर्ड क्रिएट करता हूं जो कि मैं आपको यहां पर करके दिखा रहा हूं। तो बेसिकली कुछ इस तरह का आपको जो पासवर्ड है वो यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। ये क्रिएट करने के बाद में आप यहाँ पर इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, आधार नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और फिर आपको रजिस्टर एज न्यू कैंडिडेट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। तो अभी आपने जो ईमेल आईडी रजिस्टर की है वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल करेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहां पर आपका डैशबोर्ड आएगा, आपको माय एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। माय एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपकी कुछ इस तरह से जानकारी दी गई है। अब आपको कुछ अन्य जानकारी देनी है जैसे कि अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, कोई अन्य मोबाइल नंबर आपको यहां पर अपना एंटर करना है। फिर आपका जो फुल नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आपको एंटर करना है। आपके फादर का नेम आपको यहां पर एंटर करना है, आपकी मदर्स का नेम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है, पहले डे, इसके बाद में मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है आपको सेलेक्ट करना है। देन गाइस यहां पर आता है जेंडर, तो आपका जो भी जेंडर है मेल फीमेल वो आपको सेलेक्ट करना है। स्टेट में आपको पंजाब स्टेट डोमिसाइल सेलेक्ट करना है क्योंकि ये अनिवार्य है इस पर अप्लाई करने के लिए। कास्ट कैटेगरी आपकी इनमें से जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर क्या फिजिकली हैंडीकैप यानी कि विकलांग है, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद है एड्रेस, तो जो आपका करंट एड्रेस है वो आपको यहां पर फिल करना है। पहले आप यहां पर हाउस नंबर या फिर फ्लैट नंबर लिखेंगे, फिर जो आपका एरिया, स्ट्रीट, गली नंबर जो भी है वो आप यहां पर लिख दीजिए। बेसिकली आपको इन्हीं दो लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो आपको एंटर करना है। देन यहां पर जो आपका पिन कोड है वो आपको एंटर करना है, सिटी और आपकी स्टेट ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगी। फिर आता है परमानेंट एड्रेस, ऊपर आपने भरा प्रेजेंट एड्रेस और नीचे परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहां पर कॉपी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इसको नीचे कॉपी कर देंगे, बट अगर अलग है तो इसको इसके ऊपर कॉपी मत कीजिएगा, अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा। फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, किस डिस्ट्रिक्ट को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो आप यहां पर पहली प्रेफरेंस किसे दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है, सेकंड किसे और थर्ड किसे वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ये प्रेफरेंसेस देने के बाद इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहां पर आपके सामने एजुकेशन डिटेल का सेक्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी देनी है। तो 10th आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आप यहां पर लिखेंगे और फिर आपको बताना है कि आपने किस स्कूल कॉलेज से आपकी 10वीं की है वो आप यहां पर लिखेंगे, उस स्कूल कॉलेज का नाम, 10th का रोल नंबर आपका क्या था वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। देन यहां पर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10th कंप्लीट की है और फिर इसके बाद में यहां पर आपको अपलोड मैट्रिकुलेशन डिग्री यानी कि जो बेसिकली आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, जिसका साइज 70 से 150 KB के बीच में और जो फॉर्मेट है वो PDF या फिर इमेज का होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं एक रैंडम इमेज यहां पर आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूं क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के लिए भर रहा हूं। तो यहां पर मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब आपसे पूछा कि इज योर मैट्रिकुलेशन इन पंजाबी लैंग्वेज, क्या आपकी जो 10वीं है वो पंजाबी लैंग्वेज के अंदर है, तो आप यहां पर यस नो में आंसर करेंगे। जैसे कि मैंने यहां पर यस किया, तो यस करने के बाद में नीचे आता है ITI का ऑप्शन।
ऑप्शन। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन है पंजाबी लैंग्वेज सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने 10वीं के अंदर पंजाबी पढ़ी है वन ऑफ सब्जेक्ट, तो फिर आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। एंड अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप नो करके अलग से आपका जो पंजाबी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। इसके बाद आती है ITI, तो ITI आपने किस इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन से की है, उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको देना है, किस बोर्ड के द्वारा की है, NCVT या फिर SCVT, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद में आप यहाँ पर आपका रोल नंबर एंटर करेंगे। एंड गाइज यहाँ पर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने ITI कंप्लीट कर ली थी, कौन से ट्रेड के अंदर इनमें से किए इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन, वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको ITI का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है। एंड जो ITI का डिग्री है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। बेसिकली यहाँ पर आपको मार्कशीट अपलोड करना है और यहाँ पर आपको ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एंड इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अपलोड फोटो का सेक्शन है, जहाँ पर आपको बोला है कि आपके फोटो का साइज 150 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट PDF या फिर इमेज में होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर लेना है। तो आपकी फाइल इस तरह से अपलोड होकर के यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, तो बैकग्राउंड ऑफ द इमेज शुड बी वाइट, यानी कि जो आपका सिग्नेचर का बैकग्राउंड है वो वाइट में होना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आप सेलेक्ट करें एंड यहाँ से ओपन कर दे, तो आपका सिग्नेचर इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो फोटो है उसमें भी आपको बेसिकली बोला है कि आपके बैकग्राउंड फोटो का जो है वो वाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो वाइट बैकग्राउंड वाला फोटो है वही आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर देता हूँ। क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपके फोटो का बैकग्राउंड वाइट रहना चाहिए। अब आपको आधार अपलोड करना है। यहाँ पर बोला है कि ओरिजिनल वैलिड नॉन एंड नॉन एक्सपायर्ड, यानी कि आपका आधार एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको फ्रंट इमेज अपलोड करना है और यहाँ पर आपको बैक इमेज अपलोड करना है। फिर जो आपकी बैंक पासबुक है उसका जो इमेज है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। एंड इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अभी तक जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने है। आप यहाँ पर पूरी जानकारी वेरीफाई करेंगे। एंड इस तरह से वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर कंफर्म सबमिशन एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे वेरीफाई एप्लीकेशन का इंटरफेस आपके सामने है। तो आपको बोला है सेंड OTP टू द ईमेल, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो OTP आपको अभी ईमेल के ऊपर मिला है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब गाइज यहां पर आपके सामने फीस को जमा करने का सेक्शन आएगा, तो आपकी जो भी एप्लीकेशन फीस आपकी कैटेगरी के ऊपर लागू है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। एंड यहां पर आपको दिया है क्लिक हियर टू पे फी ऑन SBI कलेक्ट, अगर आप SBI कलेक्ट के माध्यम से फीस को जमा कर रहे हैं तो आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको इस तरह से ट्रांसफर कर दिया है। अब आप यहां पर जो पेमेंट कैटेगरी है वो सेलेक्ट करेंगे। फिर यहां पर आपको आपका नाम एंटर करना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो जानकारी अभी आपने फॉर्म के अंदर भरी है वही जानकारी आप यहां पर भरते चले जाएंगे। और अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर जो पेमेंट की डिटेल है वो एंटर करेंगे। फिर आपकी पेमेंट की डिटेल को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद में आपका कंप्लीट पेमेंट हो जाएगा और फिर आप यहां पर प्रिंट रिसिप्ट कर लेंगे और उसको रिसिप्ट को यहां पर आपको अपलोड करना है, जो कि अभी आपको यहां पर ऑप्शन दिया गया था उसके ऊपर क्लिक करके। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी फीस को जमा करने में, वैसे तो यहां पर सभी जानकारी वही है जो कि आपने अभी फॉर्म के अंदर भरी है, और अगर फिर भी आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो अगर आपको प्रोसेस पसंद आया है आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।